सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, मार्केट में आपको चने का साग दिख ही रहा होगा और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आज मैं इसको मक्के की रोटी के साथ बनाऊंगी। आप इसको बाजरे की रोटी के साथ भी बना सकते हैं। नमस्कार, प्रिंसी कटियार चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो जो ये चने का साग मार्केट में मिलता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है और चने का साग हार्ड भी होता है, तो आपको इस तरह से इसको और छोटा छोटा तोड़ लेना है, सिर्फ पत्तियाँ बचें। और इसको तोड़ने से पहले आप 4 से 5 बार पानी में अच्छे से धुल लें, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। 4-5 बार पानी से अच्छे से धुलने के बाद में इसको एक कॉटन के कपड़े पर फैला कर रख दें, ताकि इसमें जो भी पानी है वो सूख जाए। उसके बाद आपको इसको बहुत छोटा छोटा काटना होता है। जितने भी तरीके के साग होते हैं, उनमें से ये सबसे ज़्यादा छोटा छोटा काटा जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कैंची से काट रही हूँ। आपको जिससे सुविधा हो आप उसे काट सकते हैं। चने का साग काट लिया है। इसके बाद यहाँ पर चने का साग बनाने के लिए चने की दाल को भी यूज किया जाता है। तो इसको जिस टाइम भी आपको बनाना है, उससे लगभग 3 घंटे पहले आप इसको पानी में भिगोकर रख दें। और ये लहसुन है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज किया जाता है, तो मैंने इतना लहसुन छील लिया है। और अब इसको कुकर में बॉयल होने के लिए रखेंगे। चने का साग बहुत हार्ड होता है, तो इसको कुकर में पहले बॉयल कर लें तभी बनाएं। तो चने की दाल को भी साथ में डाल दिया है। और ये नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पानी डाल देंगे, लगभग 1/2 लीटर पानी डाला है। और इसको 6 से 7 सीटी लगानी है। दूसरी तरफ यहाँ पर मक्के का आटा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बेसन भी यूज कर सकते हैं। और मक्के के आटे को आपको अच्छे से घोल लेना है। कंसिस्टेंसी आप अभी देख ही लेंगे किस तरह की रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको घोलना है। पहले थोड़ा ही पानी डालें तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, उसके बाद ज़्यादा पानी ऐड करें। तो इस तरह से मक्के के आटे को अच्छे से घोल लेना है। इतने आटे को घोलने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। दूसरी तरफ 6 सीटियां लग गई थी। उसके बाद कुकर से साग निकाल कर ये भगोने में कर लिया है। और गैस की फ्लेम आपको सिम पर रखनी है। और साथ में ही ये जो मक्के का आटा घोल कर तैयार किया था, इसको डाल देंगे। और इसको फिर आपको पकने देना है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, ताकि चने का साग नीचे से जले ना। तो इस तरह से आपको इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब चलते हैं, तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ। सरसों के ऑयल में ही इसका तड़का अच्छा बनता है। जब ऑयल से हल्का सा धुआं निकलने लगे, उसके बाद इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जब अच्छे से क्रैकल होगा, तो इसमें हींग और फिर जो लहसुन छील कर रखा था, उसको इस तरह से काट कर डाल दिया है। और ये 4 सूखी लाल मिर्च हैं, इनको भी डाल दिया है। लाल मिर्च को आप ज़रूर यूज करें, इससे तड़का बहुत टेस्टी बनता है। तो तड़का लग चुका है और अब चलते हैं मक्के की रोटी बना लेते हैं। मक्के की रोटी बनाते टाइम पूरा आटा पहले से गूंथ के नहीं रखा जाता है। इस तरह से आप थोड़ा आटा लेंगे और उसको गूंथेंगे। अगर आपका आटा अच्छा पिसा हुआ नहीं है, तो आप हल्के से गुनगुने पानी का यूज करें, उससे रोटियां अच्छी बनेंगी। तो इस तरह से जितने साइज की आपको रोटी बनानी है, बस उतना आटा लेना है और इस तरह से गोल कर लेना है। और हथेलियों की हेल्प से प्रेस करके आप रोटी इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तवा पहले से गर्म हो गया था, उस पर रोटी डाल दी है।
रोटी जब एक साइड से सिक जाएगी तो आप देखेंगे वो किनारे छोड़ने लग जाती है, ये इंडिकेशन होता है कि आपकी रोटी एक साइड से पक गई है। जब ऐसा हो तो आप फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से इसको पलट सकते हैं, आसानी से पलट जाती है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और जब दोनों साइड से हल्की हल्की पक जाए उसके बाद आपको डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर इसको सेकना है, और गैस की फ्लेम आपको सिम पर ही रखनी है, नहीं तो रोटी अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से जल जाएगी। इस तरह से आप मक्के की रोटी को गोल गोल घुमाकर धीरे धीरे सेक सकते हैं। और मक्के की रोटी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चूल्हा ही जलाएं, इसको गैस पर भी अच्छे से सेक सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि रोटी फूली भी है, और जब एक साइड से सिक जाए तो इस तरह से थोड़ा सा इसको बेड़ा करके भी सेक दें, और दोनों साइड से इसी तरह से घुमाकर सेक लें तो मक्के की रोटी बनकर तैयार है और चने का साग भी बनकर तैयार है। तो अब इसको प्लेट में लगा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अचार और हरी मिर्च रखी है, और एक ज़रूरी चीज़ देसी घी। मक्के की रोटी देसी घी के साथ ही अच्छी लगती है, तो भरपूर देसी घी आप यूज कर सकते हैं, जितना आपको मन हो। तो ये लीजिए, चने का साग मक्के की रोटी के साथ बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से चने के साग और मक्के की रोटी की रेसिपी ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी अपलोड की है, आप उसको देखें और इन्जॉय करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार, राधे राधे।